हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम 300 से आगे मतलब 301 से क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है टीजीटी आर्ट प्रैक्टिस सेट के नाम से, ठीक है? तो आप वहाँ उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे प्रैक्टिस सेट नंबर वाइज देख सकते हैं, ठीक है? क्रम से दिया हुआ है उधर पे। तो इसी के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं 301 से क्वेश्चन। हम आपको टाइमिंग बता देते हैं अपनी क्लास की। हमारी क्लास दो टाइम होती है, एक सुबह 8 बजे होती है और एक शाम को 7 बजे, ठीक है? तो दोनों टाइम आपको उपस्थित होना है, ठीक है? आज हमने सुबह 8 बजे पढ़ाया था CH रज़ा के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले कंप्लीट पढ़ लीजिए, ठीक है? और फिर चलते हैं अब जो हमारी अभी क्लास चल रही है। तो हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। तो आपको बताना है 301वां क्वेश्चन का आंसर। तो इसका तो आंसर देख ही रहा है, जैसा आप डेली देख लेते हैं पहला आंसर। तो क्या है, कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ति माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित की गई है? किसके द्वारा? माइकल एंजेलो के द्वारा। तो जॉन बॉपिस्ट, हरक्यूलिस, पिएटा, लाउकास, क्या है आंसर बताइए। तो इसका आंसर तो सभी लोग पहले से ही देख चुके हैं। तो क्या है? पिएटा। किसकी है? माइकल एंजेलो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की थी? टिशिया, जॉन वॉक आइक, पीटर पाल रूबेंस, ग्रीको, क्या है आंसर करेक्ट? क्या होगा आंसर? चलिए, ऑप्शन बी, जॉन वॉक आइक। नेक्स्ट पर चलते हैं, चले नेक्स्ट पर। चलिए, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1950 से 1970 के मध्य कौन सा कला अभियान अस्तित्व में आया, जिसके अंतर्गत लघु एवं वृहद आकार के अमूर्त वर्ण स्थलों का प्रयोग हुआ? मिनिमलिज्म, अमूर्त अभिव्यंजनावाद, पॉप आर्ट, ऑप आर्ट, क्या है करेक्ट आंसर? करिए फटाक से कमेंट, क्या होता है करेक्ट आंसर? आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त अभिव्यंजनावाद, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, छायाकारों को उनके जन्म के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। गोया, रैम्ब्रा, एडवर्ड हूपर, जेम्स एंसोर, इन चारों को क्रम के अनुसार बताना है उनके कालक्रम के अनुसार, बताइए क्या होगा सही। क्या होता है आंसर? चलते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन बी, पहले रैम्ब्रा आता है, फिर गोया, फिर जेम्स एंसोर, फिर एडवर्ड हूपर, ठीक है? चले नेक्स्ट पर। चलिए, इनका कालक्रम देख लेते हैं। रैम्ब्रा का क्या है, 1606 से 1669, फिर है फ्रांसिस्को गोया, इनका क्या है, 1746 से 1828, फिर आता है जेम्स एंसोर का, तो क्या है, 1860 से 1949, एडवर्ड हूपर का क्या है, 1882। चलिए, अब यहाँ ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, अभिकथन और कारण का, UGC नवंबर 2017 पेपर 3rd में पूछा गया है, बताइए आंसर क्या होता है, करिए कमेंट फास्ट। तेज चलने की कोशिश किया करिए, हमेशा आपकी स्पीड स्लो ही रहती है, थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश किया करिए, बताइए आंसर क्या होता है। चलिए, आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो लोग पिकासो को मूर्तिकार नहीं मानते, परंतु वह
आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली मूर्तिकार थे, समझ गए? तो ये भी सही है। फिर आता है, उन्होंने वर्तमान नियमों से अलग हटकर स्वयं ही मूर्तिकला सीखने की स्वतंत्रता के साथ इस क्षेत्र में कदम रखा, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चले नेक्स्ट पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अभिकथन से आ जाता है, तो इसका क्या होगा आंसर बताइए, करिए फटाक से कमेंट। अभिकथन और कारण से क्या होगा राइट आंसर बताइए। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो क्या है कथन? कलाकार को कोई अधिकार नहीं कि वह नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छानुसार बदलाव करे। बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर क्या दिया है? क्योंकि निर्मित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म, गहन और श्रेष्ठ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि ये सब होता है। ठीक है, तो क्या होता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चले नेक्स्ट पर, चलिए फिर से एक अभिकथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए क्या होता है। ये यूजीसी के क्वेश्चन चल रहे हैं, आर्ट के इम्पॉर्टेंट हैं, सारे के सारे पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन करवाएंगे इधर पे हम, तो पेपर बनेगा कहाँ से, आएंगे तो यहीं से क्वेश्चन। बताइए क्या होगा आंसर, क्या होता है करेक्ट आंसर? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए और आर दोनों करेक्ट हैं, मतलब कथन कारण दोनों सही हैं। तो पढ़ते हैं कथन को। कला चित्रकार को अनुभूति और दर्शक की अनुभूति के बीच की कड़ी है, ठीक है, सही है, क्योंकि कला मानवीय व्यवहार का भावात्मक पक्ष है। ठीक है, चलिए हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है सूची मिलान करने को, तो मिलाकर बताइए क्या होगा आंसर। लोत्रे, रैम्ब्रा, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, पाब्लो पिकासो, स्पेनिश, जर्मन, डच, फ्रेंच, क्या होता है? क्या होता है आंसर? चलिए आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मतलब चलिए आंसर यहीं नीचे देख लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। लोत्रे को मिलाया गया है फ्रेंच प्रिंट मेकर से, मतलब लोत्रे कौन है? ये फ्रेंच के हैं। रैम्ब्रा ये डच प्रिंट मेकर हैं। फिर अल्ब्रेक्ट ड्यूरर ये कहाँ के हैं? जर्मन प्रिंट मेकर हैं। फिर पाब्लो पिकासो स्पेनिश, ठीक है। तो लोत्रे फ्रेंच, रैम्ब्रा डच, अल्बर्ट जर्मनी, पाब्लो स्पेनिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आज तो पर्याप्त टाइम मिल रहा है आप लोगों को, आज तो नहीं चल रहा है फास्ट। बताइए आंसर क्या होता है। करिए फास्ट कमेंट, क्या होता है आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जिसका जिसका ए आया है देख लीजिए। अब इसको मिलान हम डायरेक्ट आंसर पर देखते हैं, ठीक है। तो क्या है? मैन विद अ पाइप तो पिकासो, स्टिल लाइफ विद ब्लैक फिशेस तो जॉर्ज ब्राक, द मैकेनिक ये फर्नाद लेजे, स्टिल लाइफ विद द चेयर तो जॉन ग्रीस, ठीक है। तो मैन विद ए पाइप तो पिकासो, पिकासो लिखा है इसमें, पिकासो है ये, ठीक है। स्टिल लाइफ विद ब्लैक फिशेस तो जॉर्ज ब्राक, द मैकेनिक फर्नांद लेजे, स्टिल लाइफ विद अ चेयर तो जॉन ग्रीस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, चले चलिए इसका आंसर बताना है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? अमेरिका, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, बताइए किसकी है, क्या होता है करेक्ट आंसर?
आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, इटली। चले नेक्स्ट। चलिए फिर से एक बार सुमेल का क्वेश्चन आता है तो इसको सुमेल करना है। बताइए क्या होता है आंसर। नाभि, नेब आर्ट, सूर्यलिज्म, संरक्षणवाद, क्या होता है करेक्ट आंसर? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए आपका सी सही है, कौन सा सही है। ठीक है, चलिए हम आंसर पर बढ़ते हैं। आंसर कैसे सही है सी, तो देख लेते हैं। तो नाभि को किससे मिलाया गया है? डेनिस मोरिस से। नेव आर्ट को किससे मिलाया गया है? हेनरी रूसो से। सूर्यलिज्म को किससे मिलाया है? पियर रॉय को। संरचनावाद, टैटलिन। ठीक है, देख लीजिए क्या है ये। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1843 में हास्य और व्यंग्यपूर्ण ड्राइंग्स को वर्णित करने के लिए कार्टून शब्द का पहली बार उपयोग करने का श्रेय किस प्रकाशन को जाता है? पंच, सिम्प्लिसिमस, लेचारीवारी, क्रिएटिव कैमरा। बताइए कार्टून शब्द का पहली बार उपयोग करने का श्रेय किस प्रकाशन को जाता है? बताइए क्या होता है आंसर। चलिए आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पंच। ठीक है, क्या होता है ऑप्शन नंबर ए, पंच। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 1970 के दौरान पश्चिमी एब्स्ट्रैक्ट कला के प्रमुख और अग्रणी प्रतिपादक जो ओरिएंटल कला से प्रेरणा तथा आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करते थे, चक क्लोज, हंस अर्प, जास्पर जोन्स, आरिस्टाइड मेलोन, क्या है आंसर? करिए फास्ट रिप्लाई, रिप्लाई दीजिए क्या होगा आंसर इसका करेक्ट, क्या हो जाता है? शाबाश, क्या होता है आंसर? ऑप्शन नंबर डी, आरिस्टाइड मेलोल। क्या होता है? आरिस्टाइड मेलोल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फैट चेयर 1964 से 1985 निम्नलिखित में से किसकी कृति है? जॉन केज, जोसेफ बॉयज, नामजून पाइक, जॉर्ज ब्रेस्ट, क्या है बताइए आंसर। गुड, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ बॉयज। चलते हैं नेक्स्ट पर। कला में विरोधों में सुसंवादित्व नामक अवधारणा किसने दी? काराकार्लो, पालकली, कांडिंस्की, पिएट मोंदियान, क्या है? क्या सही होता है आंसर? गुड, ऑप्शन नंबर डी, पिएट मोंदियान। ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन डी, पिएट मोंदियान। चलते हैं आगे। अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1912 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1916 ईस्वी। अमूर्त कला का फर्स्ट घोषणा पत्र बताइए। ऑप्शन बी, 1910 ईस्वी में। ठीक है, क्या? 1910 ईस्वी। चलते हैं आगे। पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था? ओलियोग्राफ, कोलोग्राफ, सेरीग्राफ, लिथोग्राफ, क्या होता है करेक्ट आंसर बताइए। आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन सी, सेरीग्राफ। क्या? ऑप्शन सी, सेरीग्राफ। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए
अब इनका कालक्रम बताना है क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा इसका कालक्रम, क्या होता है करेक्ट आंसर। बताइए इनका टाइम पीरियड बताना है क्रम से। क्या होगा ठीक है, चलिए आंसर आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए ही सही हो जाता है, पहले अपोलो, बेल्वेडियर, फिर प्रॉक्सीटेल, फिर पहले अपोलो बेल्वेडियर, प्रॉक्सीटेलिस, हर्मेस विद द यंग डियोनसेस, फिर है वीनस ऑफ मिलो, फिर लकून एंड हिज सन्स। इसका टाइम देख लेते हैं कैसे है। तो अपोलो बेल्वेडियर 350 ईसा पूर्व, प्रॉक्सीटेलिस हर्मेस विद द यंग डियोनसेस तो 330 ईसा पूर्व, वीनस ऑफ मिलो 130 से 100 ईसा पूर्व, लकून एंड हिज सन्स तो 42 से 20 ईसा पूर्व। समझ गए, चलिए फिर से एक बार सही क्रम देकर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका सही क्रम बताना है, पुराने से नई दिशा में सही क्रम का चयन करना है। क्या होगा आंसर, करिए कमेंट, करिए रिप्लाई। क्या होता है आंसर बताइए। क्या होता है करेक्ट आंसर, चलिए बताते हैं आंसर। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, दोना तेलो, फिर देगा, अलेक्जेंडर काल्डर, रिचर्ड लॉन्ग। ठीक है, तो दोना तेलो, देगा, अलेक्जेंडर काल्डर, रिचर्ड लॉन्ग, जिसका जिसने बी दिया है उसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। फिर से कालक्रम देकर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर बताना है क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा इसका। प्रसिद्ध पोस्टरों को सही कालक्रम में बताना है, क्या होगा। करिए फास्ट, क्या होता है आंसर, चलिए बताते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर बी, लोत्रे, मूला, रूजला, गोलू। ठीक है, चे पोस्टर, ओबामा होप पोस्टर, मदर टेरेसा, एनवी कॉट पोस्टर। तो लोत्रे, मूला, रूजला, गोलू, चे पोस्टर, ओबामा होप पोस्टर, मदर टेरेसा, एनवे कोट पोस्टर। तो क्या होता है सही, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो प्रतीकों की शुरुआत का सही क्रम बताना है, इसमें भी क्रम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो UGC नवंबर 2017 में ये पूछा गया है। तो क्या होता है आंसर इसका, क्रम बताना है, करिए रिप्लाई, क्या होगा। चलते हैं आंसर की तरफ, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, द रेड क्रॉस, द ओलंपिक रिंग्स, द मर्सिडीज स्टार, मैकडोनाल्ड का गोल्डन आर्च। ठीक है, ऑप्शन क्या सही होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पर यहाँ से फिर सही कालक्रम पूछा है, बता दीजिए, ये भी UGC नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, सारे इम्पॉर्टेंट हैं सारे, अगर वो UGC में आ सकता है तो वो आपके एग्ज़ाम में क्यों नहीं आ सकता है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है।
क्या पता आपके ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए, और यही क्वेश्चन आ जाए, तब आप उन पर ये नहीं कह सकते कि नहीं ये आप नहीं दे सकते हमारे एग्ज़ाम में। बताइए आंसर क्या होगा, करिए कमेंट फास्ट। चलिए आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन सी, परसिस्टेनस ऑफ मेमोरी, ग्वेर्निको, ब्राडवे बूगी बूगी, ब्राडवे बूगी बूगी, ब्लू सर्कस। तो परसिस्टेनस ऑफ मेमोरी, ग्वेर्निको, ब्राडवे बूगी बूगी, ब्लू सर्कस, तो क्या होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होता है, क्या होता है आंसर बताइए, करिए रिप्लाई। चलते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, मतलब ए भी गलत है, बी भी गलत है, क्या है, गलत है। तो देख लेते हैं, पाब्लो पिकासो की प्रीमेटिव कला में गहन रुचि थी, गलत है, क्योंकि वह सीखना चाहता था कि कैसे साधारण तत्वों से एक छवि तैयार करना किस प्रकार संभव है, ये भी गलत है। तो बोथ आर फॉल्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ सूची मिलान करना है, बताइए क्या होगा, मिलाइए सूची को। कला में विभिन्न दर्शन ग्रहण के अनुसार मिलाना है, बताइए क्या हो जाता है करेक्ट आंसर, करिए आंसर करिए आप लोग। क्या होता है, ठीक है, चलिए आंसर पर बढ़ते हैं। तो आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसने जिसने डी लगाया है समझ लीजिए, ठीक है। आंसर हम देखते हैं डायरेक्ट, तो क्या है आंसर, हम डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। तो क्या है, इमामू नागुशी को मिलाया गया है ओरिएंटल आर्ट से, और क्या है, इटियन हाजदू को किससे मिलाया है, प्रारंभिक ग्रीक आर्ट से। फिर आता है मारिनो मारिनी को किससे मिलाया है, तो एटोस्केन आर्ट से। फिर आता है हेरिने मातिस को किससे मिलाया है, तो ये प्रीमिटिव आर्ट से, ठीक है। तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, जिसने ऑप्शन डी लगाया है उसका करेक्ट है। चलिए फिर से एक बार सुमेल करने को पूछा गया है, तो सुमेल कर दीजिए, बता दीजिए आंसर क्या होता है, बताइए क्या होता है। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आते हैं जिसको आप बिल्कुल से हल्के में लिए होते हैं कि ये तो नहीं आने वाला, और वही आता है हमेशा। तो हमें कोई भी कोना नहीं छोड़ना है कमरे का, किसी भी मतलब कमरे का कोई भी कोना नहीं छोड़ना है जहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। बताइए आंसर क्या होता है, क्या होता है करेक्ट आंसर, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होता है, डी आंसर जिसने लगाया है उसका सही है। देखते हैं क्या मिलाया गया है, जॉन वॉन आइक को किससे मिलाया है, द बीट्रोथल ऑफ द अर्नोल्फिनी से, ठीक है। फिर है रोजियर वॉन डेर वेडन को, द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस से, ठीक है। फिर लियोनार्डो द विंची को, द लास्ट सफर से। फिर आता है माइकल एंजिलो को, द डाइंग स्लेव से। तो जान वॉक आइक, द ब्रिटोथल ऑफ द अर्नोल्फिनी, रोजियर वॉन डेर वेडन को, द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस, लियोनार्डो द विंची को, द लास्ट सफर, और माइकल एंजिलो को, द डाइंग स्लेव से। कौन सा सही होता है, ऑप्शन डी। चलिए फिर से एक बार सुमेल को पूछा गया है, बताइए क्या होता है, क्या होता है आंसर करेक्ट, करिए फास्ट कमेंट।
क्या होता है राइट आंसर? सोच समझ के, चलिए ठीक है, गुड। ऑप्शन बी सही होता है, जिसका जिसका बी लगाया है वो उसका सही है। देखते हैं क्या है, किसको किससे मिलाया गया है। तो द ब्रू के एरिक हैकल से मिलाया गया है, डे स्टीजले को, वन डॉसबक से, कोबरा ग्रुप को, कोर्नेले से, ब्लॉ राइटर तो पॉल किली से। तो क्या है, द ब्रू के एरिक हैकल, डे स्टीजल, वन डॉसबग, कोबरा ग्रुप कोबरा ग्रुप को, कॉर्नेले, ब्लॉ राइटर तो पॉल किली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है फिर से सुमेल को, बताइए क्या होगा, करिए कमेंट। क्या होता है सही? आंसर पर चलते हैं। तो ऑप्शन बी, जिसने जिसने ऑप्शन बी लगाया है उसका करेक्ट है आंसर। अब देख लेते हैं किसको किससे मिलाया गया है। तो लाइमस्टोन को किससे मिलाया गया है, जर्मनी से। पापा एरस को किससे मिलाया है, तो मिस्र से। चलकास्ट प्रकार किससे है, चीन से। ऑफसेट इंग्लैंड से। तो इसका लाइमस्टोन जर्मनी, पपायरस मिस्र, चलकास्ट प्रकार चीन, ऑफसेट इंग्लैंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आ जाता है ये है, बताइए तैयार विज्ञापन के लिए ग्राहकों को स्टोरी बोर्ड देने के लिए विकसित किया गया सचल तस्वीर दृष्टांत मूविंग पिक्चर इलस्ट्रेशन होता है। एनिमेशन, एनिमेटिक, एयरडेट, एडवर्टोरियल, क्या होता है, करिए रिप्लाई, क्या होता है आंसर? बताइए। तो आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एनिमेटिक। ठीक है, क्या होता है, ऑप्शन बी एनिमेटिक करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। कौन से नगर का अंडरग्राउंड परिवेश सघन पोस्टर वाला है? अंडरग्राउंड परिवेश सघन पोस्टर वाला, लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, मास्को, क्या होता है राइट आंसर, बताइए। आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, लंदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लंदन। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टिन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? टेम्परा, मिक्स मीडिया, फ्रेस्को, ऑयल, क्या होता है राइट आंसर, बताइए। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, चलिए आंसर बताते हैं, ऑप्शन सी फ्रेस्को। नेक्स्ट पर चलते हैं। चित्रकला में चतुर्थ आयाम किसने सुझाया? हेनरी रॉबर्ट, कैंडिंस्की, कुपका, लारियानोव, क्या है चतुर्थ आयाम, करिए रिप्लाई। चलिए ऑप्शन डी लारिया नोव। फिर चलते हैं, बाथर्स इन फ्रंट ऑफ अ टेंट नामक चित्रकृति किससे संबंधित है? गुस्तावे कूर्बे, कामिल केरेटो, वान गो, पाल सेजा, क्या है, क्या होता है करेक्ट आंसर, करिए फास्ट, यस, चलिए चलिए ठीक है, आंसर क्या होता है करेक्ट, ऑप्शन डी पाल सेजा। ठीक है, चलते हैं आगे। पुस्तक मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? डब्ल्यू जी आर्चर, एच जिमर, ए के कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमरिश, कौन है,
बताइए। ठीक है, चलिए आंसर पर आते हैं। ऑप्शन बी एच जिमर। ठीक है, चलते हैं आगे। कौन सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सुमेलित नहीं है। लूब्र संग्रहालय, न्यूयॉर्क, मुजीदा आर्से, पेरिस, टेट मॉडर्न, लंदन। ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन। क्या नहीं है संबंधित, सुमेलित नहीं है, क्या है? करी रिप्लाई। वेरी गुड। चलिए तो आंसर ए लूब्र संग्रहालय, न्यूयॉर्क। अच्छा बता दीजिए कहाँ पर है ये लूब्र संग्रहालय, कमेंट पर बताइए कहाँ पर है, रिप्लाई कीजिए। फिर है पिकासो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। लास्ट सपर, गोर्निका, सनफ्लावर, बर्थ ऑफ वीनस। पिकासो का फेमस चित्र कौन सा है बताइए। क्या होता है? ऑप्शन बी गुएर्निका। किसकी है? पिकासो की। भाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था। सेजा, पिकासो, गोया, मातिस। क्या होता है आंसर बताइए। शाबाश। चलिए ऑप्शन डी मातिस होता है। कौन? मातिस। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है। रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, हाई रेनेशा पेंटिंग, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। जॉन कॉन्स्टेबल किससे संबंधित हैं? करिए करिए रिप्लाई। चलिए 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 ठीक है। क्या होता है? ऑप्शन डी इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग है ये। ठीक है, किससे संबंधित है? जॉन कॉन्स्टेबल से। फिर आता है द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है। ड्यूरर, माइकल एंजिलो, राफेल, रोंदा। किसकी है? द थिंकर नाम की मूर्ति किसकी है? सिंपल सा है, ये रोंदा की है। कौन सी? द थिंकर। नेक्स्ट, पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था। जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन। कहाँ? चलिए चलिए आंसर पे। ऑप्शन डी स्पेन में। नेक्स्ट, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, फ्रांसिस्को दी गोया, ओनेरो, ड्रॉमियर, रैम्ब्रा। किसने? क्या होता है आंसर? करेक्ट होता है, क्या होता है? ऑप्शन बी फ्रांसिस्को दी गोया। ठीक है, चलिए। फिर आता है भविष्यवाद, फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ। फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड। बताइए क्या होता है आंसर। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं बताइए, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में सीधे छपने वाले क्वेश्चन हैं ये, बस इतना समझ लीजिए। तो क्या है भविष्यवाद का उद्भव कहाँ से होता है? ऑप्शन बी इटली से होता है। ठीक है, देखिए टीजीटी 2013 में पूछा गया है। चलिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है। रवीन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, थॉमस ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ। बताइए द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है। करिए रिप्लाई, सभी लोग किया करिए, जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने तो रिप्लाई किया ही करिए।
चलिए आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर ने, टीजीटी 2013 में ये भी आया है। फिर आता है लास्ट लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रोदा, रेम्ब्रा, वॉन गॉग, हेनरी मूर, बताइए। लस्ट फॉर लाइफ किसकी है, किसके जीवन पर है, क्या होता है? चलिए आंसर पर चलते हैं। तो क्या होता है आंसर? ऑप्शन सी वॉन गॉग, क्या होता है? ऑप्शन सी। चलिए ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है? ब्राक, फ्रेंच मार्क, शेगाल, सेजा, किसने किया है ब्लू राइडर ग्रुप का चित्रण? करिए फास्ट। चलिए चलिए आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन बी फ्रेंच मार्क। नेक्स्ट द पोटैटो ईयर किसका चित्र है? विंसेंट वान गॉग, पाल गोगा, कैमिले पिसारो, क्लॉड मोने, किसकी है बताइए। सही होता है ऑप्शन ए विंसेंट वॉन गॉग। चलिए नेक्स्ट अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है बताइए? भारत, इटली, जर्मनी, फ्रांस, क्या होता है राइट आंसर बताइए। चलते हैं आंसर पे। ऑप्शन सी जर्मनी में, कहाँ? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47वां। रंगीन कांच की खिड़कियाँ संबंधित हैं बताइए। BHU आर्ट में पूछा गया है ये, बताइए क्या होता है सही? गोथिक कला में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कहाँ के निवासी थे हेनरी मूर, क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट होता है, क्या? इंग्लैंड। तो क्या होता है करेक्ट? ऑप्शन ए। चलिए ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? ब्लू राइडर, पिकासो, सल्वाडोर डाली, कंडेंस्की, जॉन मीरो, क्या होता है, क्या है करेक्ट? करिए फास्ट। गुड, चलिए चलते हैं आंसर पे। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, कंडेंस्की, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता है। चलिए किस यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? जॉन मीरो, सल्वाडोर डाली, रेने मार्गरिट, पॉल देलवा, क्या है, क्या होता है राइट आंसर बताइए। क्या होता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए जॉन मीरो, क्या होता है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। चलिए निम्नलिखित में कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात हैं? एडवर्ड माने, जुल्स चर्ट, एडगर देगा, पीरे अगुस्त रेने रेना, बताइए क्या होगा। ठीक है आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन बी जुल्स चर्ट, ठीक है। चलिए बताइए इसका क्या होगा। मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? लूव्र, पेरिस, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, नेशनल गैलरी लंदन, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, तो न्यूयॉर्क, क्या होता है राइट आंसर?
चलिए ऑप्शन बी, म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलते हैं आगे। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। रैफेल सोंजियो, कोरेजियो, एंड्रिया डेल सालो, माइकल एंजिलो। तो मूर्तिकार भी थे कौन, क्या होता है राइट आंसर? बताइए इसका क्या हो जाता है आंसर। इसका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, माइकल एंजिलो। क्या होता है ऑप्शन डी, माइकल एंजिलो। पॉल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, स्वच्छंदवाद, क्या होता है बताइए? क्या होगा आंसर? चलिए आंसर हो जाता है उत्तर प्रभाववाद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयवाद, नवशास्त्रीयवाद, यथार्थवाद, उत्तर यथार्थवाद, बताइए क्या होता है करेक्ट आंसर? तो आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर बी, नव शास्त्रीयवाद। मिलते चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तेओदारे जेरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तेओदारे जेरिको, नव शास्त्रीयवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद। तेओदारे जेरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं, क्या होगा? चलिए ठीक है आंसर पर चलते हैं, ऑप्शन बी रोमांसवाद। ठीक है चलिए नेक्स्ट, जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चलिए बताइए आंसर। आज उपस्थिति कम क्यों है भाई, क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? तो किस देश के रहने वाले हैं जैक्सन पोलाक? तो आंसर क्या होता है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी अमेरिका, क्या होता है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया था? बोतिचेली, रैफेल, रूबेंस, वॉन्डेर वाइडन, क्या होता है राइट आंसर? वीनस को किसने चित्रित किया था बताइए? तो ऑप्शन सी सही होता है, रूबेंस ने। ठीक है चलिए, तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? डोमी, माने, पिकासो, वान गो, क्या है राइट आंसर? तीसरी श्रेणी का डिब्बा बताइए, आंसर सही होता है ऑप्शन ए, डोमी। ठीक है, क्या होता है डोमी। चले आगे, चलिए आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, करिए रिप्लाई, क्या होता है आंसर? चलिए ऑप्शन डी फ्रांस। ठीक है चलिए, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन, पेरिस, हॉलैंड, इटली, कहाँ पर? पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए स्पेन, कहाँ? ऑप्शन ए स्पेन में। चलिए आगे, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? कुर्बे, पिकासो, डेविड, माने, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? ऑप्शन सही होता है बी पिकासो। नेक्स्ट, तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? माने, मोने, कुर्बे, सेंजा, तो आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन ए माने,
तृण पर भोजन किसका है? माने। नेक्स्ट, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, क्या है? बारबिजियन ग्रुप, रीतिवादी ग्रुप, रोकोको ग्रुप, यथार्थवादी ग्रुप। क्या होता है राइट आंसर बताइए। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, बारबिजन ग्रुप। क्या? बारबिजन ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे। एडवर्ड माने का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1842, 1918, 1630, 1832। एडवर्ड माने का जन्म कब हुआ? करिए। गुड, चलिए। तो कब हुआ था? 1832 में। सभी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। क्या है? परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसकी रचना है? सल्वाडोर डाली, पॉप किली, रोडिन रेनिया। क्या है? परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी, बताइए। तो क्या है? ऑप्शन ए, सल्वाडोर डाली। ठीक है, चलिए आगे। टर्नर कौन था? इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर, डच फ्लेमिश, ग्रीक लैंडस्केप, बताइए। क्या होता है टर्नर कौन था? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ये इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर था। तो टर्नर कौन था? इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर। ठीक है, चलते हैं आगे। चलें, चलिए। किसने अति यथार्थवाद नाम दिया? पॉल किली, फ्रांसिस पिकाबिया, हेनरी मूरे, सल्वाडोर डाली। किसने किसने अति यथार्थवाद नाम दिया? पीजीटी 2014 का ये क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए क्लास छोड़िएगा मत, पढ़ते रहिए पूरा और लास्ट तक पढ़ना है। क्या होता है आंसर? अति यथार्थवाद नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन डी, सल्वाडोर डाली ने। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? एडवर्ड माने, टी लात्रे, एडगर देगा, पियरे ऑगस्ट रेनिया। तो क्या है आंसर? लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए कौन विख्यात है? बताइए। क्या है आंसर? टी लोत्रे। ठीक है, चले आके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर। 3 मई के चित्रकार कौन है? छगल, गोया, वॉन गॉग, डेलाक्रा। कौन है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए ठीक है, ऑप्शन बी, गोया। 3 मई के चित्रकार कौन है? गोया है। ठीक है, तो यहाँ से आज हमने केवल 70 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। मतलब अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 370 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और टोटल कितने हैं? 1200 के लगभग क्वेश्चन हैं। मतलब हमारे कंप्लीट कितने हो गए हैं? 370 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम पहुँचेंगे 1200 क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए केवल एक ही चैप्टर के हैं ये क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर हम इससे कम क्वेश्चन लेकर चलेंगे, अगर हम मान लीजिए 30 से 40 क्वेश्चन ही लेकर चल रहे हैं, 50 भी लेकर चल रहे हैं, तो हमें 1 महीने लग जाएगा इसी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। बाकी अदर चैप्टर भी हैं हमारे पास, इसलिए हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे एक दिन में उतने कम्प्लीट करने हैं। ठीक है, तो समझिए बात को कि 1200 क्वेश्चन है मात्र, ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर के ही 1200 क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो समझ लीजिए कि अगर कम क्वेश्चन करवाएंगे तो 1 महीने तक यही चलता रहेगा, फिर हम अदर्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस यही है कि 70 हमारा आज कंप्लीट हो गया है, 370। फिर कल हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो। ठीक है, और जो सुबह की हमने आज क्लास देखी है उसको नहीं देखी हो तो आप देख लीजिए।
और चलिए मिलते हैं फिर कल 8 बजे, कितने 8 बजे सुबह मिलते हैं, ठीक है? तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।